तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं द नर्वस सिस्टम इस चैप्टर को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है पहला नर्व सेल उसके फंक्शंस और उसके पार्ट्स और दूसरा नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह जनरली देखा गया है कि इस लेवल के एग्जाम्स में नर्वस सिस्टम पर ज्यादा फोकस रहता है और नर्व सेल से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी बेसिक होते हैं आप उन्हें कर सकते हैं तो हम लोग भी इस चैप्टर को उसी हिसाब से पढ़ेंगे और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड उनके फंक्शंस उनके पार्ट्स पर ज़्यादा फोकस देते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नीड ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है आसपास हो रही चीज़ों को फील करने में उनके प्रति रिस्पॉन्ड करने में और हमारे मसल्स और बाकी जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में भी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सेल बॉडी डेंट्स और एग्जॉन सेल बॉडी में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ का साइटोप्लाज्म होता है इसमें जनरली सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर सेंट्रोजोम क्योंकि नर्व सेल ने रिप्रोड्यूस uh, नहीं करता है नर्व सेल डिवाइड नहीं करता है डेंड्राइट्स इसी से निकलते हुए uh, छोटे प्रोट्रूजन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं नर्वस इम्पल्सिस को साइटोन तक लाने में एग्जॉन एक लॉन्ग पार्ट होता है जो कि निकलता है इसी सेल बॉडी से और ये नर्वस इम्पल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है आपने पहले पढ़ा है कि नर्व सेल्स हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं और इस लेंथ में ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन इसी एक्सॉन का होता है इन इनमोस्ट न्यूरोन इज सराउंडेड बाई ए वाइट इंसुलेटिंग शीत नोन एज माइलिन शीत इसे मेड्यूलरी शीत भी कहते हैं विच इज कवर्ड बाई एन आउटर मोस्ट थिन शीत कॉल्ड द माइलिन शीत शोज गैप्स थ्रू द लेंथ विच आर कॉल्ड नोट ऑफ रैनवियर आप यहां देख सकते हैं जो बीच में गैप्स होते हैं उन्हें नोट ऑफ रैनवियर कहा जाता है

इन्हीं सिनेप्स तक पहुंचती है और उस सिनेप्स पर ऐसे न्यूरो रिलीज करती है एक नर्व सेल जो कि दूसरे नर्व सेल उन्हें पकड़ती है और फिर उस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाती है हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कैसे ट्रांसमिट होता है जो भी इंपल्स हमारे नर्व सेल तक आती है एक्सॉन टर्मिनल्स आर क्लोजली प्लेस्ड नियर द दाइट्स ऑफ अनदर वन और मोर बट आर नॉट कनेक्टेड सच गैप्स बिटवीन देम आर कॉल्ड सिनेप्टिक कॉल्डिक सम बेसिक टर्म्स एंड नर्वस एक्टिविटी आप ये पढ़ सकते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स इम्पल्स रिसेप्टफेक्टर्स किसे कहते हैं इसके बारे में आपने जूनियर क्लासेज में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है जो हम लोग पढ़ते थे कि कौन कौन से सिस्टम्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस चैप्टर का अगर हम लोग हमारे टारगेट एग्जाम्स को लेकर देखें तो आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ सोडियम पम्प्स हेल्प करते हैं हमारे नर्व इम्पल्स को फील करने में और उन्हें आगे बढ़ाने में जनरली पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को मैनेज करते हुए ये नर्व इम्पल्सेज आगे बढ़ती हैं एक बार जब इम्पल्स रिसीव कर लेती है एक नर्व सेल तो वो अगले नर्व सेल तक पहुंचने के लिए इन्हीं सोडियम पंप्स की हेल्प लेती है उसके साथ कभी कभी पोटेशियम पंप्स भी यूज होते हैं उनके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो के या एन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आगे हम लोग बढ़ें तो सिनाप्स के बारे में यहाँ दिया गया एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि नर्व इम्पल्स को अगले न्यूरॉन तक ले जाने में मदद करता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन जो कन्वे करता, करता है इम्पल्स को रिसेप्टर से मेन नर्वस सिस्टम तक मोटर न्यूरॉन जो इम्पल्स को कैरी करता है मेन नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो कि मसल्स होते हैं और एसोसिएशन या फिर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने में मदद करता है नर्व्स को अगर हम लोग देखें तो नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स इंक्लोज इन ए ट्यूब्युलर शीत यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग काफी सारे एग्जोन एक साथ कलेक्ट होकर एक ट्यूब्युलर शीत के अंदर रहकर एक नर्व बनाती है थ्री काइंड ऑफ नर्व आर आई फॉलो सेंसरी नर्व मोटर नर्व और मिक्स नर्व सेंसरी नर्व में सेंसरी न्यूरोन्स होते हैं मोटर नर्वस में मोटर न्यूरो होते हैं और मिक्स नर्व दोनों होते हैं सेंसरी नर्व्स के एग्जाम्पल हैं ऑप्टिक नर्व जो कि आई में होता है इसके बारे में आपने क्लास सेवेंथ में पढ़ा था जब हमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था मोटर नर्व में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और ये नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड सप्लाइंग द मसल्स ऑफ आई बॉल फॉर द रोटेशन ऑफ आई तो हमारे आई को रोटेट करने में हेल्प करती है जो मसल उस तक पहुँचने वाली जो नर्व होती है वो मोटर नर्व होती है मिक्स नर्व जैसे स्पाइनल नर्व उसमें दोनों तरह के नर्व्स होते हैं और ये दोनों काम करने में हमारी हेल्प करती है आगे हम लोग बढ़ते हैं टू मेजर डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स आती हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ द ब्रेन के बारे में बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और मैं चाहूंगा कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इसे सुने क्योंकि ब्रेन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस चैप्टर के देखने को मिले हैं एन टी सी या के वी पी वाई में वो आते हैं इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ बॉडी द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स और ये एक मेजर कारण माना जाता है हमारी डोमिनेंस का इस एनिमल किंगडम में द ब्रेन इज वेरी डेलीकेट एंड वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन इनसाइड द ब्रेन बॉक्स जिसे क्रेनियम भी कहा जाता है और ये हमारा जो स्कल होता है उसे कहते हैं हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था कि ये इमूवेबल जॉइंट से बना होता है हमारा ये जो स्कल है और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स है बल्क दैडल ब्रेन वे इज अबाउट वन पॉइंट थ्री फाइव के जी एंड कंसिटी अबाउट टू परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट इट इज एटी परसेंट वाटर एंड कंज्यूम्स मोर दैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन टेक इन टू द बॉडी तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजन्स होते हैं हमारे बॉडी में और ब्रेन हमारे बॉडी के ऑक्सीजन कंजम्शन का एक मेजर प्रपोर्शन लेता है ब्रेन के जो कवरिंग्स होते हैं इन्हें आप इसी ऑर्डर में याद रखें तो अच्छा होगा ड्यूरा मैटर ये outermost covering होती है, है है होता होता और जिसे blood से अच्छी तरह से सप्लाई किया जाता है ये तीन जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं इन्हीं की मदद से हमारा ब्रेन इस प्रोटेक्शन लेवल तक पहुंच पाता है मैनजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनज मैनजाइटिस आपने सुना होगा कुछ लोगों को ये हो जाता है और इसके कई सारे रीजंस होते हैं आ, कभी कभी इस डिजीज़ को देखने में आता है कि वो अलग अलग कारणों से होते हैं और इसी मैनजेज में जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे मैनजाइटिस कहा जाता है द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विथ वॉटरी फ्लूइड जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहा जाता है क्योंकि सेरेब मतलब इसका नाम हम लोग जो देखें तो सेरेब्रम और स्पाइनल से बना हुआ है क्योंकि यही फ्लूइड बाद में स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है प्रेजेंट उसके प्रोटेक्शन में भी ये मदद करता है The same fluid also fills the central spaces of the brain and central canal of the spinal cord. Parts of the brain, parts of the brain काफी important portion है इस chapter का. Cerebrum, the cerebrum is the largest portion of the brain. It is divided into two halves called cerebral hemispheres. Their outer surface is highly convoluted with ridges and grooves. इन्हें जैसे हम जानते हैं गाईरी और वल्की कहा जाते हैं इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा आप note कर सकते हैं. Cerebrum काफी ज्यादा folded होता है क्योंकि इसमें काफी सारे nerve नर्वस uh, प्रेजेंट होते हैं नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें एक साथ रखने के लिए इतना ज़्यादा फोल्ड्स uh, बनाए जाते हैं हमारे ब्रेन में ईच सेरेब्रल हमिस्फेर इज हॉलो इंटरनली एंड द वॉल्स हैव टू आउटर एंड इनर पोर्शन मेड्यूला यहाँ पर जो ब्रेन का डायग्राम दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम uh, कई एग्जाम्स में मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली पूछा जाता है और इसमें आपसे कोई भी एक रैंडम पार्ट को ए बी सी करके मार्क कर दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर कौन सा पार्ट है तो आप इसे ध्यान से अगर याद कर लें तो आपको ये कुछ मार्क्स में हेल्प कर सकता है द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंटेन सेल बॉडीज एंड न्यूरो बींग ग्रेइ इन कलर इट इज कॉल्ड द ग्रे मैटर ग्रे मैटर आपने सुना होगा और इसके बारे में कई सारी स्टडीज भी की जाती हैं जो कि रेगुलरली आपने अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे इस आ, टॉपिक से रिलेटेड तो आपको पता होगा ग्रे मैटर क्या होता है इट इज द लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच इज फोल्डेड टू फॉर्म द द दस आर कॉल्ड गायरी एंड द आर कॉल्ड सल्की सच अस्टम इंक्रीज ए सर्फिस एरिया टू अकोमोडेट मोर नर्व सेल्स नर्व सेल्स को अकोमोडेट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया ये uh, जो होते हैं कन्वर्शन जिन्हें गायरी और सल्की कहा जाता है इट इज बिलीव दैट हाई नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन इन द ह्यूमन ब्रेन इज ड्यू टू द लार्जर नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स एंड हैंस ग्रेटर इंटेलिजेंस

और मूवमेंट के लिए कौन कौन से पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्शन में कौन सा पार्ट सिचुएटेड है ब्रेन का तो आप उस डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करें आ, आप ये आ, वैसे भी याद रख सकते हैं कि कौन सा पोर्शन कौन सा फंक्शन करता है तो आपको डायरेक्टली ये वाला डायग्राम भी याद हो जाएगा वॉट इज वट इज जनरली कॉल्ड सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन सेरेब्रम

दे दिस ऑल्सो हैज द आउटर कॉटिक्स मीड ऑफ ग्री मैटर सेंट्रली इट हैज वाइट मैटर विच इन अडियन सेक्शन अपीयर्स लाइक अ ब्रांचिंग ट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं सैरेबिलम का डाइग्राम ये एक ब्रांचिंग ट्री की तरह दिखता है और जब हम लोग बचपन में इसका डाइग्राम बनाते थे तो जनरली हम लोग ब्रांचेज uh, की ही तरह लीव्स के जो बेंस होते हैं उनकी ही तरह इसका डाइग्राम बना दिया करते थे ये इसीलिए क्योंकि जो अंदर का वाइट मैटर होता है वो उसी फॉर्म में अरेंज होता है The main function of cerebellum is to maintain balance of the body and coordinate muscular activity. The impulse for performing a muscular act originates in the cerebrum and not in the cerebellum. For example, if you stand up and walk, the impulse for this activity arises in the cerebrum. The act of walking involves coordinated working of many muscles proper coordination and timing. रिलैक्सेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेरेबलम तो सेरेबलम डायरेक्टली ऐसे सेंसेशन को जनरेट नहीं करता जो कि आपके मसल एक्टिविटी को कॉज करते हैं सेरेबलम का फंक्शन ज़्यादा जो होता है वो है कोऑर्डिनेशन इन मसल्स का करना ताकि आप एक बेटर बॉडी बैलेंस बना कर रख सकें इसके बारे में आपने पढ़ा है लास्ट ईयर भी क्लास टेंथ में भी आपको दिया गया था कि सेरेबलम सेरेबलम के मेजर फंक्शन ये होते हैं

पार्ट कोऑर्डिनेट करती है तो आपको इन चीजों पर खासा फोकस देना है कि इनके फंक्शंस आपको नाम के साथ याद हों कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन निभाता है फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड मेनी इन्वॉलेंट्री एक्शन इंजरी टू द मेड्यूला जनरली रिजल्ट इन द डेथ मेडल ऑबलोंगेटा यहां बेस में होता है ब्रेन के ट्राइंगुलर शेप का होता है और इसके अंदर uh, अगर इंजरी कभी हो जाती है तो जनरली डेथ हो जाती है क्योंकि आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है थ्री प्राइमरी रीजन ऑफ द ब्रेन यहाँ पर फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में थोड़ी डिटेल में बात की गई है सेरेब्रम इज सीट ऑफ इंटेलिजेंस मेमोरी कॉन्शियसनेस विल मिल पारोल्ट्री एक्शन एक्सेट्रा डायनसेफिलोन इसमें थालमस और हाइपोथाल होता है रिलेज पेन एंड प्रेशर इम्पलिस टू द सेब्रम थालस काम और हाइपोथालमस कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड पेट्यूटरी ग्लान हम लोग एंडोक्रीन वाले सिस्टम में पढ़ेंगे हाइपोथालमस के बारे में थोड़ा और डिटेल में और कैसे ही पेट्यूटरी ग्लान को कंट्रोल करता है विच इन टन कंट्रोल्स द होल एंडोक्रीन सिस्टम ऑफ आर बॉडी मिड ब्रेन ये स्मोल्टिब्यूलर पार्ट है इसमें रिफ्लेक्सिस इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स इसमें असल में चार पार्ट्स होते हैं मिड ब्रेन में इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आप बस ये याद रखें कि इसमें रिफ्लेक्सेस ऑफ आइज और ईयर्स को कंट्रोल करते हैं ये मिड ब्रेन के पोर्शन हाइन ब्रेन में सेरेबलम पोन्स और मेडुला मिडिल पोन्स पोन्सफेरोली का भी फंक्शन सेंटर ऑफ ब्रेन बिलो द सेरेबलम होता है ये इम्पल्स कैरी करती है एक हेमिसफियर से दूसरे हेमिसफेयर में और कोऑर्डिनेट करती है मस्कुलर मूवमेंट बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी में पोन्स पोन्सफेरोली का भी फंक्शन आप याद रखें क्योंकि हाइन ब्रेन के ये तीनों रीजन्स के फंक्शन पर आपको क्वेश्चन देकर कन्फ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है अगला है द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में भी सिमिलर अरेंजमेंट होता है पर यहाँ द ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेल बॉडीज एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स लाइज ऑन द इनर साइड एंड द वाइट मैटर ऑन द आउटसाइड तो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है जो कि ब्रेन के अरेंजमेंट से यहाँ ग्रे मैटर अंदर और वाइट मैटर बाहर की तरफ सिचुएटेड होता है ये भी प्रोटेक्टेड होता है मैनेंजर्स से जैसा हमने ऊपर देखा बताया था कि जो तीन मैनेंजर लेयर्स होते हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं Functions ऑफ द स्पाइनल cord: Reflexes बिलो द नेक कंडक्ट सेंसरी impulses from द स्किन एंड muscles टू द ब्रेन कंडक्ट्स मोटर responses फ्रॉम द ब्रेन टू muscles of द ट्रंक एंड the लिम्स जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है नेक के बिलो वो सभी स्पाइनल cord कंट्रोल करता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सेंसरी इम्पल्स जो कि ब्रेन देता है ब्रेन को चाहिए होता है स्किन से वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचता है और जो मोटर इंपल्स होते हैं जो ब्रेन से आते हैं वो मसल्स तक पहुंचाने का काम भी यही स्पाइनल कॉर्ड करता है अगला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ सेल एंड स्पाइनल क्रेनियल नर्वस में सेंसरी लाइक ओल्ड फैक्ट्री एंड ऑप्टिक एंड ऑडिटरी जैसा हमने पढ़ा था कि सेंसरी नर्व्स में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं मोटर नर्व्स लाइक वंस गोइंग टू द आई मसल एंड मिक्स नर्व्स लाइक गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम द फेस एंड टंग फेस और टंग में क्योंकि हमें सेंसेशन लेने की और इन्फॉर्मेशन देने दोनों की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर मिक्स नर्व्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स इसमें थर्टी वन पेयर्स होते हैं जो कि एट नेक में ट्वेल्थ हो में फाइव लंबर फाइव साक्रल और वन पेयर इन कॉकेजियल रीजन्स में पाए जाते हैं ये नंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कितने पेयर्स किस रीजन में सिचुएटेड होते हैं अ टिपिकल स्पाइनल नर्व ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पाइन कॉर्ड बाई मीन्स ऑफ

वेंट्रल रीजन में सिचुएटेड होते हैं ये जो डायग्राम है आप इसे मैं कहूँगा कि याद ही कर लें कि किस तरह से ये वाला डायग्राम किस तरह से कौन सा नर्व ऑरिजिनेट होता है और किस तरफ जाता है क्योंकि इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कुछ पेपर्स में आते हुए कि वो लोग स्पाइनल कॉर्ड का एक डायग्राम दे देंगे आपको डॉसल और वेंट्रल रीजन आ, मार्क कर देंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से रीजन में कौन सा नर्व निकलता है और कौन सा नर्व पहुँचता है हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसमें सिम्पथटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमें प्रिपेयर करता है वॉलेंट एक्शन अगेंस्ट आप नॉर्मल कंडीशन के लिए जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे नॉर्मल कंडीशन को रीस्टैब्लिश करता है ये डायग्राम आप याद रख लें आप से पूछा जा सकता है कि किस रीजन में क्या इफेक्ट पड़ता है ऐसे डेंजरस सिचुएशंस का जो कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज करता है तो जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे हर ऑर्गन uh, को अप्रोक्सीमेटली कवर किया है इसने और हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टमेटिक ग्लैंस आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन कॉर्ड जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक में भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये डिवाइड होता है जबकि ब्रेन में सेरेब्रम सेरेबलम और मेडिलो ऑबलोंगेटा वाले पार्ट्स होते हैं इमोशंस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाई इमोशन सच एज ग्रीफ फियर एंडियर सेक्शुअलेश हाई ब्लड प्रेशर स्टमक स्टमकल्स एंड सम सम्रबल्स में अराइज ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूड इमोशनल स्ट्रेस जनरली ये देखा गया है कि जब भी आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो आपका बी पी फ्लक्चुएट करने लगता है या तो वो काफ़ी कम हो जाता है या काफ़ी बढ़ जाता है और कभी कभी ये आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है रिफ्लेक्स यहाँ पर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की बात की गई है देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन विच अकर इन द बॉडी वॉलेंट्री विच आर परफॉर्म कॉन्शियसली एंड इन वॉलेंट्री विच आर परफॉर्म अनकॉन्शियसली वॉलन्ट्री एक्शंस यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको समझाने के लिए आप आपको पता ही है कि वॉलेंट्री एक्शन्स क्या होते हैं और इन्हें अंडरटेक करने के लिए हम जनरली अपने कॉन्शियस माइंड से सोच कर इन एक्शंस को करते हैं जबकि इन्वॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं और ये अपने आप ही हो जाते हैं रिफ्लेक्शन या इन्वॉलेंट्री और वॉलन्ट्री के बीच में डिफरेंसेस दिए गए हैं आप इन डिफरेंसेस को एक बार देख सकते हैं आपको कॉन्सेप्चुअली अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर इसी के बेसिस पर कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस नेचुरल और कंडिशन होते हैं कंडिशन रिफ्लेक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को आप याद रख लें तो बेहतर है क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब डॉग को फूड दिखाया गया तो डॉग सेलिब्रेट करता है फिर उसके सामने बेल बजाई जाती है लेकिन डॉग सेलिब्रेट नहीं करता है फिर अगली बार क्या हुआ कि हम लोग जब फूड डॉग को प्रेजेंट करते हैं तो आ, बेल भी बजाते हैं इससे डॉग फूड को देखता है और बेल को सुनता है और वो सेलिब्रेट करता है फिर जब ऐसा उसकी हैबिट उसके रिफ्लेक्स में हम लोग ऐसा बना देते हैं तो जब भी हम लोग बेल बजाते हैं तो डॉग सेलिब्रेट करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे फूड मिलेगा ये एक एग्जाम्पल दिखाता है कि किस तरह से कंडीशन रिफ्लेक्स हमारे बॉडी में बनाए जा सकते हैं उसके बाद नेचुरल इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है नर्वस पाथवे इज इन रिफ्लेक्सेस ये एक इंपॉर्टेंट uh, पार्ट है रिफ्लेक्स एक्शन मस्ट बी क्विक टू हैव वैल्यू दे फो द पाथवे फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शॉर्ट इन अ सिंपल रिफ्लेक्स, इम्पल्स आर नॉट कंडक्टेड अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड, बट लीव एट द सेम लेवल एट विच द एंड दिस में इन्वॉल्व टू न्यूरोस और थ्री न्यूरोन्स वैन इट इन्वॉल्व टू न्यूरोन्स दीज आर डॉसल सेंसरी एंडल मोटे न्यूरोन जैसा मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस रीजन से कौन सा न्यूरॉन निकलता है वो क्या फंक्शन करता है लोकेटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑन द ग्रे मैट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विद इट्स फाइबर इन द वेंट्रल रूट द इंपल्स फ्रॉम द सेंस रिसेप्टर इज रिसीव्ड थ्रू द सेंसरी फाइबर्स ऑफ द डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व एंड एज इट रीच द मोटर न्यूरोन इन द स्पाइनल कॉर्ड अ रिस्पॉन्स इम्पल्स इज इमीडिएटली फ्लैश लाइक द रिफ्लेक्शन थ्रू द स्पाइनल नर्व टू द इफेक्ट ऑफ मसल टू Sometimes a third neuron, an intermediate connecting association, yarile neuron, इज इंक्लूडेड द रिफ्लेक्स आर क्लाइंग बिटवीन देंसरी फाइबर एंड द मोटर न्यूरोन इन साइड द स्पाइनल कॉर्ड एज इट इज शोन इन फिगर नाइन पॉइंट सेवन बी आफ्टर द इंस्टेंट रिस्पांस इज ऑल्सो कैरी टू द ब्रेन बाई द इंटरकनेक्टिंग लॉन्गिट्यूड एंड नर्व फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉड एक बार एक्शन ले लिया जाता है उसके बाद इसकी जानकारी दे दी जाती है ब्रेन को कि ऐसा uh, ब्रेन उस पर बाद में थिंकिंग करता है कि क्या वो एक्शन सही था या नहीं कॉम्प्लेक्स रिफ्लैक्स सिस्टम में uh, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिफ्लेक्स एक्शन लिए जाते हैं इसमें इन्वॉल्व न्यूरोन्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वाइल वॉकिंग इन द डार्क ऑन अ रोड इफ यू हैपन टू स्टेप ऑन अ कॉयल पीस ऑफ रोप यू सडनली जंप असाइड विद द फियर ऑफ अस्पेक्टेड स्नेक वर्चुअली ऑल द स्केलेटल मसल आर इन्वाल्व इन दिस रिफ्लेक्स द टर्म रिफ्लेक्स कम्स फ्राम लैट वर्ड रिफ्लेक्स मीनिंग रिफ्लेक्टेड और डायरेक्टेड बैक यहाँ पर एक पाथवे दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए स्टिमुलस से रिसेप्टर में आता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है जो कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर मसल्स को भेजते हैं जो कि रिस्पॉन्स देता है उस स्टिमुलस के प्रति रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन एन फ्रॉम रिसेप्टर टू एन इफेक्टर रिसेप्टर सेंसरी न्यूरो के बारे में आपने ऊपर भी पढ़ा है कि ये सब क्या होते हैं रिमेंबर ऑल रिफ्लेक्सेस आर इन्वॉलेंट्री बट नॉट ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्सेस सर्टेन इन्वॉलेंट्री एक्शंस कैन बी कॉन्शियसली रिपीटिंग देम विद स्पेसिफिक स्टिमिलई कैन बिकम इन्वॉलेंट्री एंड सच एक्शंस आर कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस जनरली इन्वॉलेंट्री होते हैं लेकिन सब इन्वॉलेंट्री एक्शंस रिफ्लेक्स नहीं होते ये तो आप कॉमन लाइफ एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं और कभी कभी वॉलेंट्री एक्शंस को भी इतनी बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग कि वो भी कंडीशन रिफ्लेक्स हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है तो यहाँ पर हम लोग जनरली देख सकते हैं अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो फूड होता है उसे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और तब हमारा जो ब्लड होता है वो इस आ, फूड फूड के न्यूट्रिएंट्स को लेता है और उसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाता है हमारे सेल्स डायरेक्टली मैक्रो फूड पार्टिकल्स को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते इसीलिए उन्हें छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और यही डेफिनेशन यहाँ डाइजेशन की दी गई है इसके बाद यहाँ एंजाइम्स की बात की गई है एंजाइम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं न सिर्फ आपके प्रेजेंट क्लास में बल्कि आपको अलेवेंथ और ट्वेल्थ के जो बायो के चैप्टर्स होंगे उनमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप एंजाइम्स को याद रखते हैं तो उस यहाँ पर एंजाइम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है अगर आपने केमिस्ट्री में कैटालिसिस और कैटेलिस्ट्स uh, के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं उन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो सिर्फ़ रेट को बढ़ाते हैं न कि इंथेपी को और जो उनकी फंक्शनिंग होती है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और वो प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स यहाँ पर उन्हें हीट कर देने पर वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं इन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स मान सकते हैं यहाँ पे जो सेवन पॉइंट्स दिए गए हैं आप उन्हें एक बार पढ़ लें अगला हम लोग चलते हैं द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पर यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात की गई है सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहला जो आता है फूड के इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस में वो है माउथ माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं यहाँ पर जो लिप्स का फंक्शन है वो दिया गया है कि ये हमारे माउथ को क्लोज करने में हमारे जो स्पीकिंग होती है उसमें हेल्प करती है और इसके साथ ही बाकी पॉइंट्स को आप देख सकते हैं लिप्स की भी फंक्शंस यहाँ दी गई हैं कैसे लिप्स फूड को मिक्स करने में उसे सलाइवा के साथ मिक्स करने में हमारे चूविंग के प्रोसेस और उसे निगलने में और स्पीकिंग में भी हेल्प करता है अगला यहाँ पे टीथ की बात की गई है टीथ को डेंटिशन भी कहा जाता है टीथ के बारे में यहाँ सबसे पहली बात है कि टीथ भी हमें स्पीकिंग में हेल्प करता है इसके बारे में आप हिंदी में पढ़े होंगे जहां पर हमें प्रोनाशिएशन और उसकी टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है और कैसे अलग अलग पार्ट से अलग अलग साउंड्स निकलती हैं उसके बारे में आपको पता ही होगा यहां पर हम टीथ के डिफरेंट कैटेगरीज की बात करते हैं सबसे पहले इनसेजर्स फिर केनाइंस फिर प्री मोलर्स और मोलर्स इनसेजर्स फूड को कट करने के काम आते हैं केनाइंस फूड को टीयर करने के काम आते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स फूड को च्यू करने के काम आते हैं जो इस टीथ की डिवीजन है इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि कैसे जो कैनाइंस होते हैं वो कार्निवोर्स एनिमल्स में काफ़ी डेवलप्ड होते हैं और जो मोलर्स होते हैं वो हर्बी वोर्स एनिमल में काफ़ी डेवलप होते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा च्यूइंग करना होता है जबकि कार्निवोर्स को ज्यादा टीयर करना होता है मीट वगैरह को हमारे अंदर कैनाइंस भी डेवलप्ड है पर वो उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं कि हमें कार्निवोस की कैटेगरी में रखा जाए और हमारे यहाँ जो मोलर्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ मोलर भी हमारे टीथ में आता है जिसे विजडम टूथ कहा जाता है ये 17 से 20 इयर्स ऑफ एज के बीच आता है बाकी टीथ हम जनरली देखते हैं कि 12, 13, 14 की ये जाते आते हो जाते हैं लेकिन जो विजडम टूथ होता है इसे डेवलप होते काफ़ी समय लग जाता है यहाँ पर अगला हम लोग बात किए हैं कि जो हमारे मेमेलियन टीथ होते हैं वो होते हैं। मतलब टीथ के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं और जबकि कुछ एनिमल्स को ऐसा देखा गया है कि वो होमोडोंट होते, होते हैं मतलब उनकी जो टीथ की कैटेगरीज होती हैं वो एक ही तरह की होती है कंफ्यूजन ओवर द नेम मोलर देंट इज यूज कॉल द प्री चाइल्ड एज मोलर्स बट सिंस इन टू से and second that appear only once as permanent grinders. It is scientifically more appropriate to give two separate names to the two kinds of as premolars and molars right from the beginning. So generally क्या होता है कि जो small children होते हैं उनमें ये molars फिर से नहीं उगते मतलब जो molar teeth होते हैं वो दो बार नहीं आते वो बस एक ही set में आते हैं जो कि permanent teeth में होता है जो बच्चों में generally जिसे molars कह दिया जाता है वो असल में प्री मोलर टीथ होते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं कि उनका जो शेप और बनावट होती है वो अलग होती है मोलर टीथ से मेमोलियन टीथ अपियर इन टू सेट्स ड्यूरिंग लाइफ इन ह्यूमंस द टीथ टीथ कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू द गम्स वेन चाइल्ड इज अबाउट सेवन टू एट मंथ एंडेड टू ईर्स ओल्ड तो ये हमारे लाइफ का एक जनरल एक्सपीरियंस है जिसे आप सीख सकते हैं कि हमारे लाइफ में हमने देखा है कि हमारे भी टू सेट ऑफ टीथ उगे थे जो पहले मिल्क टीथ थे वो समय के साथ हट जाते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं हमारे परमानेंट टीथ परमानेंट टीथ हमारे साथ पूरी लाइफ रहते हैं और जनरली ये रिप्लेसेबल नहीं होते हैं द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ ऑफ मैमल्स इज मैम इंडिकेटेड इन अ फॉर्मूला विच द नंबर ऑफ इंसिजर्स कैनाइंस प्रीमोल एंड मोलर्स इज गिवन स्ट्रिक्टली इन द सेम ऑर्डर फॉर वन हाफ ऑफ ईच जॉब द ह्यूमन डेंटल फार्मूला इज आज फॉलोज तो ये जो डेंटल फार्मूला है आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि इससे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों में ट्वेंटी टीथ होता है हम उसे पहले तो चार भागों में डिवाइड करें तो वो फाइव टीथ ईच होता है उसे टू वन टू जीरो के फार्मूले पर रखा जा सकता है मतलब टू जो होते हैं इंसिजर्स वन केनाइन और टू प्रीमोलर्स ह्यूमन एडोलोसेंट्स में ट्वेंटी एट टीथ होते हैं जो permanent होते है, 2 -2 -2 है, कि परमानेंट होते हैं इसका फार्मूला टू वन टू टू है जबकि एडल्स में टू वन टू थ्री

जनरली जो कैविटीज होते हैं वो हमारे इनामिल को डैमेज कर देते हैं जिससे हमारा जो डेंटाइन और गम होता है वो एक्सपोज हो जाता है बाहरी जर्म्स के लिए या फिर बाहरी सेंसेशन्स के लिए हमारा जो इनामिल है वो असल में हमारे बॉडी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट्स ए थ्री पी ओ फोर होल्डवाइस ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल जिसे हम कह सकते हैं होते हैं और फ्लोराइड टूथपेस्ट क्या करता है कि इसी को कैल्शियम फॉस फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है जो कि सी एफ टू होता है।, ये एक है जो कि आप याद रख सकते हैं कि हमारे, हम लोग जो होते हैं हमारे बकल कैविटी में और उसके आसपास उसके बारे में बात करते हैं पैरोटेड ग्लॉन्ड्स लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड सब मैंडिबुलर ग्लॉस लाइन क्लोज टू द इनर साइड ऑफ लोअर जो इन ईच साइड एंड सब लिंगो द ये तीन हमारे ग्लैंड के पेयर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया है अभी बात हो रही है कि हो सकता है एक भी हो, और अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएंगे इसके बारे में डक्स फ्रॉम इच ग्लैंड ट्रांसपोर्ट दिटेड माउथ स्मॉल क्वानिटीज ऑफ सलाइवा की Sometimes even the sight, smell or just a thought of tasty food can cause an increased flow of saliva resulting in the watering of mouth. Watering of mouth एक phenomena है जिसे हम सब ने experience किया होगा Generally क्या होता है कि जब हमें कुछ अच्छे food का sight या फिर thought या फिर smell होता है तो हमारे mouth को mouth में काफ़ी ज़्यादा saliva आ जाता है और इसे ही watering कहा जाता है mouth का Saliva is very slightly acidic, आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखें कि इसका पी क्या होता है क्योंकि डायरेक्टली ये चीज़ पूछा जा सकता है फ्लूइड कंटेनिंग वाटर इसमें नाइनटी वाटर होता है और एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं या फिर टाइलिन कहते हैं अमाइलेज जनरली उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं तो सबसे पहले यहाँ सलाइवरी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक ब्रेकडाउन में हेल्प करता है ये हम लोग देख सकते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या क्या है ये मॉइस्टन और लिब्रिकेट करता है जो कि स्पीकिंग और स्वालोइंग में भी हेल्प करता है टंग की मॉइस्टन एंड लिब्रिकेट फूड विच अगेन हेल्प्स इन स्वालोइंग एक्ट एज अ सॉलवेंट डिजॉल्विंग सम फूड पार्टिकल्स टू सिम्यूलेट स्टेट बर्ड्स ऑफ टंग हेल्प फूड पार्टिकल्स टू स्टिक टूगेदर टू फॉर्म अ बोलस सो दैट दे कैन बी स्वालोड इन अ मास्क आप ये याद रखें कि जो फूड मास हमारे माउथ से स्वॉलो होकर इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है उसे बोलस कहा जाता है और सलाइवा की ये फंक्शंस आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि सलाइवा हेल्प करता है फूड को लुब्रिकेट टंग को लुब्रिकेट फूड को बोलस बनाने में और जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए फूड को एक सॉलवेंट प्रोवाइड करता है इसके बाद जो है टाइडस टाच इट्स एंड टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इंटू माल्टोज तो जो स्टार्च होता है वो असल में एक पॉलीसेकेराइड है पॉली का मतलब होता है मतलब मतलब मेनी इन नंबर और शुगर तो काफी सारे शुगर्स के मिलकर ये स्टार्च बनता है और इसको ये माल्टोज में ब्रेक कर देता है जो कि एक डाई है डाई का मतलब दो और सैकेराइड मतलब शुगर माल्टोज दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है इसी हम और कह सकते हैं कि जो मोनोसैक्राइड के मैं आपको यहीं पर एग्जाम्पल दे देता हूँ मोनोसैक्राइड में ग्लूकोज आता है गैलेक्टोज आता है और फ्रुक्टोज आता है तो जो हमारा शुगर होता है केन शुगर जिसे कहते हैं वो सुक्रोज होता है जो कि एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और ये जो माल्टोज होता है वो दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है जबकि जो लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखने की कोशिश करें ये काफी इंपॉर्टेंट है और हाँ हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच मोनोसाकराइड कंबाइन टू फॉर्म द डाइसैक्राइड माल्टोज या द डाइसैक्राइड सुक्रोज अगला देखते हैं क्लींस द माउथ एंड टेंस टू डिस्ट्रॉय जर्म्स टू प्रिवेंट टू डीके हमारे सलाइवा में कुछ जर्म को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम्स भी होते हैं और केमिकल्स भी होते हैं ड्राइनेस इन माउथ

The larynx, voice box, which is located at the entrance of the windpipe, is pulled upward and bring it close to the back of the tongue when a flap called epiglottis closes in the opening. Epiglottis ek asal mein काफी important part है हमारे digestive system का। ये क्या करता है कि जो respiratory tract आपने देखा होगा जो diagram में कि respiratory tract और digestive tract एक ही जगह से निकलते हैं दोनों और इसी ओपनिंग को बंद करने में काम आता है एपिग्लॉटिस तो जब भी हम कोई फूड को फॉलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस बंद कर देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और फूड आसानी से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकल जाता है कभी कभी क्या होता है कि इसकी क्लोज होने में दिक्कत आ जाती है जिसके कारण कुछ फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप के अंदर जा सकते हैं उस समय इंटेंस कफिंग होती है और हो सकता है कि अगर Uh, काफी ज्यादा अमाउंट में फूड अंदर चला जाए विंड पाइप के तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक हो सकता है वंस द फूड रीचेज द ईसो फेगस इट इज कंडक्टेड बिहाइंड बाई स्पेशल मूवमेंट कॉल पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस इज अ वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉज बाई सर्कुलर मसल्स ऑफ द गट्स पुशिंग द फूड अलॉग मैं आपको कोशिश करता हूँ इसे यहाँ पे शो करने की तो मान लीजिए ये ईसोफेगस है और इसके अंदर एक बोलस आया अब क्या होगा कि जो ये पोर्शन है ये खुद को क्लोज टाइप कर लेगा मतलब यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा जिसके कारण बोलस नीचे पुश हो जाएगा कुछ देर बाद जब बोलस यहां पहुंच जाएगा तो पीछे के पार्ट रिलैक्स हो जाएंगे और ये पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा इसके कारण बोलस और नीचे चला जाएगा इसीलिए जब आप उल्टे भी हों मतलब अगर आप सर के बल नीचे भी बैठे हों तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके फूड को सॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये ग्रेविटी से नहीं होता ये पेरिस्टाइलिस मूवमेंट से होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं फूड गोइंग द रॉन्ग वे जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फूड पाइप में फूड चला जाता है तो इंटेंस कफिंग होने लगती है यहाँ पर काफी बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया गया है जो स्वालोइंग का प्रोसेस होता है आप इसे एक बार देख सकते हैं कि कैसे हमारी एपिग्लॉटिस बंद हो जाती है और जो फूड होता है उसके पास एक ही रास्ता होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में जाना

द ओपनिंग ऑफ द स्टमक is called इज कॉल्ड has इट हैज रिंग ऑफ sphincter to keep टू कीप द ओपनिंग a लाइक अ वाल टू passing फूड पासिंग फ्रॉम द स्टमक is thoroughly churned अप तो जो स्टमक होता है वो काफ़ी ज्यादा कैपेसिटी होती है जैसे टू टू थ्री लीटर्स आप देख सकते हैं इसके वॉल्स हाईली मस्कुलर होते हैं इससे दो फंक्शन हम कह सकते हैं कि अचीव हो जाता है कि यहाँ फूड को मिक्स कर लिया जाता है थॉरली जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके साथ इसके साथ ही मसल को अगर फूड ज़्यादा दे दिया जाए तो वो मसल्स एक्सपैंड कर जाते हैं और वहाँ पर फूड थोड़ा बहुत रह जाता है लेकिन अगर एक एक्सट्रीम लिमिट तक इसे पहुँचा दिया जाए तो जो ऊपर का स्विंटर होता है जो ऊपर का वाल्व होता है ईसोफेगस को प्रोटेक्ट करने वाला वो खुल जाता है और वोमिटिंग हो जाती है तो स्टमक कंटेन करने की कोशिश करता है काफ़ी हद तक हमारे फूड को लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वॉमिटिंग की प्रोसेस होती है

इसी कार्डियक स्फिंक्टर के खुल जाने पर जो वॉमिटिंग का प्रोसेस होता है वो होता है पायरोलिक्स स्फिंक्टर नीचे की तरफ होता है जो कि इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है फूड को कभी कभी ये पायरोलिक्स स्फिंक्टर का फंक्शन खराब हो जाता है जिसके कारण जो फूड का इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है इसे ठीक करने के लिए जनरली मेडिसिन को कंसल्ट करना पड़ता है गैस्ट्रिक जूसेस तो an so, होता क्या है कि पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए काफी कम पीएज चाहिए होती है मतलब काफी एसिडिक सोल्यूशन में ही पेप्सिन एक्टिवेट हो पाता है और पेप्सिनोजन बन पाता है इसीलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रिएट होता है स्टमक में और आपने आ, अगर आपने देखा होगा तो जो म्यूकस होता है म्यूकस का एक मेमब्रेन लगा रहता है स्टमक के इनर लाइनिंग पे ताकि जा सके हाइड्रोक्लोरिक है और काफी एसिडिक होता है इसीलिए हमारे जो इनर सेल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन यही करता है इन फैक्ट दिन चेंज टू पेप्सिन तो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में सेक्रेट सेक्रीट है पेप्सिनोजेन असल में एक एंजाइम हम इसे नहीं कहेंगे ये एक डीएक्टिवेटेड फॉर्म होता है पेप्सिन एंजाइम का और इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मीडियम होता है उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली टू के आसपास होता है और इस पीएच पर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट करके हमारे प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है यहाँ पर पूरा डाइजेशन नहीं होता अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी परसेंट ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है बाकी इंटेस्टाइन में किया जाता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एचसीएल फिर प्रोरेनिन को पेप्सिन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है रेनिन में और फिर रेनिन मिल्क प्रोटीन को पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है तो ये जो रेनिन का जो काम है ये जनरली एडल्ट में खत्म हो जाता है मतलब जो चिल्ड्रेन होते हैं उन्हीं में ये ज्यादा देखने को मिलता है कि रेनिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट किया जा रहा है स्टमक में जो एडल्ट्स होते हैं उनके जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन जनरली इंटेस्टाइन में जाकर ही कंप्लीट होता है द फूड स्टेज इन अबाउट थ्री आवर्स एंड इट अटेन्स लाइक नाउ द पाइरो बाई लिटिल तो आप यहाँ एक और वर्ड याद रखें कि चाइन बोला जाता है जो भी फूड निकलता है स्टमक से पिछला जब माउथ से पार होकर इसोफेगस में जो फूड आया था उसे बोलस कहा जाता था और जो आ, इस स्टमक से पास होकर इंटेस्टाइन में जा रहा है उसे चाइम कहा जाता है आप इस वर्ड को याद रखें क्योंकि इसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में द स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब अबाउट सेवन मीटर्स लॉन्ग एंड अबाउट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स वाइड इट इज कॉल्ड एंड फोल्डेड इन द एबनोमन इट्स थ्री सब रीजन आरोज तो जो हमारा स्मॉल uh, इंटेस्टाइन होता है इसका लेंथ आप देख सकते हैं सेवन मीटर्स होता है लेकिन हमारी जो अप्रॉक्सिमेटली बॉडी हाइट होती है वो 1.6, 1.7, 1.8 मीटर ही होता है इसके कारण इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है मतलब इसके काफ़ी सारे कॉइल्स बने होते हैं स्ट्रक्चर में और इसी कारण से ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के अंदर फिट हो पाता है इसके जो तीन पार्ट्स हैं वो है डोडेनम जेजुनम और इलियम डोडनम इसका शॉर्ट अपर पार्ट है जो कि स्टमक के तुरंत बाद होता है यहाँ डूओ का मतलब टू और डेनिंग का मतलब टेन होता है कॉमन कॉमन दिस पार्ट जो की बात हमने शुरू में देखी थी लिवर से जो बाइल सेक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर और लिवर की जो कॉमन डेक्ट होती है जिसे कॉमन बाइल डेक्ट कहा जाता है वो इसी डुओ में खुलता है लिवर से भी कुछ एंजाइम्स uh, आते हैं वो डाइजेशन में डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन उनकी भी कई सारी फंक्शंस होती हैं जो कि इसी डुओडेनम में कंप्लीट की जाती हैं अगला है जेजुनम नेक्स्ट शॉर्ट रीजन ऑफ अबाउट टू मीटर्स जेजुनम मीन एम बिकॉज इट इज नियरली ऑलवेज एम आफ्टर डेथ एज फाउंड एंड ऑन इन पोस्टमार्टम्स तो हुआ क्या कि इनके जब पार्ट्स का नाम रखा जा रहा था तो वो जनरली पोस्टमार्टम के बाद जो ढूंढा गया था और उसके बाद इन्हें रखा जाता था तो जेजुनम और ऑलमोस्ट हर समय ही एम रहता था डेड लोगों में जिसके कारण इसे डेड ट्यूब मतलब एम ट्यूब का नाम दिया गया था इलियम इलियम फोर मीटर्स का होता है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का द इनर लाइनिंग ऑफ इलियम इज प्रोड्यूज अ ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विलाई के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर एक डायग्राम से समझ सकते हैं विलाई में जो पार्ट्स होते हैं तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने के लिए मतलब एबजॉर्प्शन के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया की जरूरत होती है और इसी सरफेस एरिया को प्रोवाइड करने के लिए विलाई का स्ट्रक्चर अपनाया जाता है है तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस अगर नॉर्मली फूड यहां एब्जॉर्ब हो रहा होता तो बस इतने ही एरिया में हो पाता लेकिन अगर हम यहां पर विलाई रख देते हैं तो अब फूड के पास ये एरिया भी खाली होता है एब्जॉर्प्शन के लिए तो भले इसे पूरा लेंथ छोटा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेकिन जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपने अगर आप मैथ्स को थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको दिखेगा कि जो सेम लेंथ के लिए अगर हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करें तो इससे जो एरिया हमें मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ फ्लैट रीजन इसीलिए इस डेडोनम वाले स्ट्रक्चर को हाईली एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में आ,

एक ग्रीन वॉटर होता है प्रोड्यूस होता है लीवर में कॉमन बाइल डक्ट तो जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वहां से सिस्टिक जो आता है उसके साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनता है जो कि डुओडेनम में जाकर जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा हमने देखा है कुछ देर पहले ही द बाइल मे फ्लो डायरेक्टली इनटू द डुओडेनम और एज इट जनरली ब्लैडर the color of bile is due to the certain pigments biliverdin or bilirubin biliverdin or bilirubin ke jo colors hote hain wo hi hamare urine aur feces ko bhi color dene ke kaam aate hain produced by the breakdown of dead and worn out red blood cells to liver mein hi jo dead blood cells ke dead uh, dead cells होते हैं उन्हें और breakdown किया जाता है और उससे जो pigments निकलते हैं उन्हें ही बिलीवर्डीन और बिलीरुबीन कहा जाता है

इसीलिए यहाँ पे जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली सोडियम और कार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं जो कि इस एसिडिक uh, मीडियम को कन्वर्ट कर देते हैं बेसिक मीडियम में ताकि ढंग से डाइजेशन हो सके आगे के स्टेप्स में इसके साथ ही जो बाइल में uh, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट को इमल्सिफाई करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनका प्रॉपर डाइजेशन हो सके अगला है पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक जूस के जो थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वो मेनली हैं अमाइ Amyl, अमाइलोपसिन जो कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि लेफ्ट ओवर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है मैंने आपको बताया था अमाइलेज किसको कहा जाता है ऐसे एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं वैसे ही यहाँ पर पैंक्रियाटिक अमाइलेज जिसको अमाइलोपसिन भी कहा जाता है वो बचे खुचे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है तो जनरली माउथ में अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में और बाकी को कन्वर्ट करने का काम इसी पैंक्रियाटिक अमाइलेज का होता है

प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स बनाने का काम भी इन्हीं पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल एंजाइम्स का होता है जिसमें ट्रिप्सिन भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है ट्रिप्सिन को जनरेट किया जाता है एक इनएक्टिव फॉर्म में जिसे ट्रिप्सिनोजेन कहा जाता है तो आप देख सकते हैं कि जनरली जो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं एंजाइम्स के उनमें ओजेन जुड़ा होता है आगे में वैसे ही ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन फॉर्म में एंटेरो अगला है स्टीप सीन विच एक्ट एक्ट ऑन इमल्सिफाइड फैट टू स्प्लिट स्प्रिड फैटी एसिड्स एंड ग्लिस आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि बेसिक यूनिट क्या क्या होता है हर न्यूट्रियट का कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक यूनिट मोनोसैक्राइडस होते हैं फैट्स के और फैट्स के बेसिक यूनिट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल होता है और प्रोटीन्स के बेसिक यूनिट्स अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसका मेन एम यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें सिंपलर ऐसे न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन किया जाए ओवरऑल द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर ट्रिप्स ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में एंटेकिस कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को ट्रिप्सिन स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है लेफ्ट ओवर स्टार्च को माल्टोज बना देता है और इमल्सिफाइड फैट को स्टीपसिन फैटी एसिड्स प्लस क्लिसरोल बना देता है इंटेस्टिनल जूस में होता है इरेप्सिन जिसको पेप्टाइडेज कहते हैं ये पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इन्वर्टेज सुक्रेज भी कहा जाता है इसको सुक्रोज और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के काम आता है मैं ऐसा मैंने आपको बताया कि जो तीन मेजर मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तो किसी भी डाइजेशन प्रोसेस का एम यही होता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ स्टार्च के फॉर्म में हो या सुक्रोज जो कि हम लेते हैं ग्लूकोज वगैरह पीते वक्त उसके फॉर्म में हो उसे एक मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि उसका ऑब्जॉपशन आसान हो यहाँ पर भी जैसा हम देख सकते हैं माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट करता है और सुक्रोज को सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज कन्वर्ट करता है अगला है सम ट्रेसेज ऑफ लाइफ टू डाइजेस्ट फैट्स इन द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल दिस चेंजेस असमराइज एस फॉलोज पेप्टाइड्स इरेप्सिन या पेप्टाइडेज अमीनो एसिड्स में माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में दो ग्लूकोज में आप यहाँ याद रखें कि यहाँ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और इमल्सिफाइड फैट लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरो बना देते हैं

The fatty acids and glycerol are absorbed in the lymph vessel or the lacteal to enter the lymphatic system, which forms a network all over the body to ultimately empty its content in the blood stream. The food passes very slowly through the intestine, taking about 4 hours to enter the last part, large intestine. तो जैसा आपने ऊपर देखा था कि इस absorption के process और digestion भी साथ साथ करने में काफी समय लगता है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर होता है वो कम होता है इसके जो इंटेस्टाइन uh, के जो हम कह सकते हैं एरिया होता है वो कम होता है और फूड के पासज में थोड़ी दिक्कत होती है इसी के साथ यहाँ पर uh, जो फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें लैक्टियल्स में ऑब्जॉर्ब किया जाता है जो कि ऊपर आपने विलाई के स्ट्रक्चर में देखा था अगर आपने शायद नहीं नोटिस किया था तो मैं आपको दिखा दूँ लैक्टियल्स इसको कहा जाता है ये लिम्फैटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं और ये लिम्फ वेसल्स तक पहुँचाते हैं फैट्स को शुरुआती समय में आगे हम लोग बढ़ते हैं द लार्ज इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग ये स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी छोटा होता है और इसके जो तीन पार्ट्स हैं वो है हैशम कोलोन और रेक्टम तो सेकम सॉरी ये एक ब्लाइंड पाउच होता है जो कि जंक्शन पे होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के ब्लाइंड आई प्रोजेक्ट्स ए नैरो वॉर्म कॉल्ड फॉर्म अपेंडिक्स इनफ्लू इट इज अ फंक्शनलेस फंक्शनजन तो इस अपेंडिक्स का काम जनरली हम देखते हैं हर्बी वोस में होता है यहाँ पर आ, ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जहाँ पर जो कि सेल्यूलोर्स के ब्रेकडाउन में काफ़ी हेल्प करते हैं लेकिन हमारे बॉडी में क्योंकि हम अब इतना ज्यादा सेल्यूलोज डाइट नहीं लेते हैं इसीलिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है ओवर द ईयर्स इस वेस्टिजियल ऑगन के बारे में आप और ज्यादा पढ़ेंगे एवोल्यूशन और जेनेटिक्स जैसे चैप्टर्स में द कोलोन इज मच ब्रोडर दिटिल मोर दैन अ मीटर लॉन्ग इट पास अप द दिन ऑन द राइट क्रसेज द लेफ्ट जस्ट बिलो द स्टमक एंड डाउन द लेफ्ट साइड तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखा था कि ये किस तरह से लार्ज एंटेस्टाइन का जो ये पार्ट होता है वो मेजर पार्ट जो होता है कोलोन वो आ, किस तरह से सिचुएटेड होता है हमारे डायजेस्टिव सिस्टम में इसके बाद है रेक्टम द लास्ट पार्ट अबाउट फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग विच ओपन साइड द एनस ये जो लास्टली एक्सक्रीटा होता है उसे स्टोर करने के काम आता है जिसके बाद एनस से इसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है मतलब E हम कह सकते e जो प्रोसेस होता है फूड अनस्टेड फूड को हमारे बॉडी से निकालने का उसके काम में आता है ये और का, uh, साथ में कॉम्बिनेशन अगला है लार्ज इंटरसाइन इट नो इन इट एब्जॉर्ब मच वॉटर बट वेरीड मटेरियल वाटर एंड आर एक्सपायट इंटरवर्स द एक्सपर्शन ऑफ अनडेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड डेफिकेशन तो आपको एक पॉइंट uh, याद रखने की जरूरत है कि डेफिकेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन मतलब भले ये अनडाइजेस्टेड फूड है लेकिन एक्सक्रीशन के ओवरऑल प्रोसेस में इसे नहीं इंक्लूड किया जाता इसे ई e जैशन कहा जाता है या डेफिकेशन कहा जाता है द feces आर नॉर्मली composed ऑफ नियरली 75% water and वाटर एंड matter, which again सॉलिड मैटर 30% अगेन bacteria, ऑफ to 20% डेड बैक्टीरिया to टू proteins or फैट्स roughage. टू bad odor of और is due to द बैड ऑर्डर ऑफ इज ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इन तो आपको ये परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एक काफ़ी बेहतर ढंग से दिया गया है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है और यहाँ डाइजेशन का क्या क्या प्रोडक्ट होता है किस किस पार्ट में और किस किस एंजाइम से अगला हम लोग देखते हैं असिमिलेशन ऑफ फूड असिमिलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इंटू बॉडी मटेरियल आप अगर जूनियर क्लासेस में आपने देखा होगा कि डाइजेशन के जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसमें असिमिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए जितना इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बशन या फिर in, इ, इ, इंजेशन या फिर इजेशन होता है तो असिमिलेशन में क्या होता है कि जो बॉडी में बॉडी में जो फूड पार्टिकल्स हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमने ले लिए हैं उन्हें अब सेल बिल्डिंग और सेल के एब्जॉर्बन और कामों में लाया जाए तो हम देख सकते हैं द फूड डाइजेस्टेड एंड एबजॉर्ब बाय द गट आर ट्रांसपोर्टेड इन टू वे थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम सिंपल शुगर अमीनो एसिड विटामिन मिनरल आर कैरी टू द लिवर बाय द हिपैटिक पोर्टल वेन द लिवर कन्वर्ट्स एनी एक्सेस ग्लूकोज इंटू इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन विच कैन बी टेम्प्रोली स्टोर्ड तो जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है हमारी बॉडी में उसे स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में आप याद रखें कि प्लांट्स में जो स्टोरेज का जो स्टोर होता है फूड एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा शुगर उसे स्टार्च कहा जाता है जबकि ह्यूमंस में और बाकी एनिमल्स में इसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है वेन नीडेड द लिवरी कन्वर्सोजन इंटू ग्लूकोज एंड पुट्स इट बैक इंटू द ब्लड सर्कुलशन द ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी टिश्यू एज अ सोर्स ऑफ़ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ सर्टन कम्पाउंडस तो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में ग्लाइकोजन में इंसुलिन नाम के कम इन्जाइम का हम कह सकते हैं इंसुलिन का यूज़ होता है और इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे जब आप आ, जब आप नर्वस सिस्टम और उसके बाद के चैप्टर्स पढ़ेंगे जहाँ पर हमें डक लेस ग्लैंड जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है

विच द नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनोग्रुप इज रिमूवड एंड कन्वर्टेड इन टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन एंड द रिमेनिंग पार्ट फॉर्म्स ग्लूकोज विच कैन भी यूटिलाइज वो जो यूरिया बनता है उसे एक्सक्रीशन का पार्ट माना जाता है उसे वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए और अगर वो एक्ूमुलेट कर जाता है हमारी बॉडी में तो वो हमारे हेल्थ को ख़राब कर सकता है और हमें कई सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं उसी यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है यूरियन के फॉर्म में और भी कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले वीडियो में पढ़ेंगे

फैट्स uh, जो होते हैं वो विसरेल ऑर्गन्स के नीचे भी स्टोर किए जाते हैं अगला लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वबाउट फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम्स ऑन एन एवरेज ये 1.5 पॉइंट का होता है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में फंक्शंस ऑफ लिवर अदर दैन प्रोडक्शन ऑफ बाइल ये उस स्कूल के सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें काफ़ी ज़रूरी है इन फंक्शंस को पढ़ना क्योंकि हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछे जाएं।

इट प्रोड्यूसेज फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच आर यूज इन ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस भी आप ब्लड वाले पार्ट में पढ़ेंगे जहाँ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है ये हेल्प करती है हमारे बॉडी को ब्लड क्लॉट करने में ये भी लिवर में ही प्रोड्यूस होता है इट प्रोड्यूसेज हिपारीन जो कि एक एंटी को है एंटी को का मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कहीं रुक ना जाए जम ना जाए इसके लिए ये हिपारीन यूज़ किया जाता है हमारे तो कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हम कहते हैं ना कि ब्लड जाम हो गया है वो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर ही कोलैप्स कर जाते हैं या फिर फट जाते हैं जिसके कारण जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वहां पे हमारी बॉडी कोशिश करती है कि जो फ्लोइंग ब्लड है वो कभी ना रुके और उसी में ये हेल्प करता है इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम बाई एक्टिंग एज अ टेम्पर स्टोर ऑफ एक्सेस वाटर इट डिस्ट्रॉय डेड रेड ब्लड सेल जैसा हमने देखा कि उसी डेड रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन के कारण वो दो पिगमेंट्स बनते हैं स्टोरेज इट स्टोर्स आयरन कॉपर एंड सिल्वर सेवरल विटामिन तो जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो लिवर में स्टोर हो जाते हैं कुछ समय के लिए इट एक्सक्रीट्स टॉक्सिक एंड मेटलिक पॉइजन इट प्रोड्यूस हीट बाई सेल्यूलर मेटाबोलिज्म एंड डी टॉक्सीफिकेशन डी टॉक्सीफाइड सब्सेंसेज इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल्स इसीलिए हम कहते हैं कि जब अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ जाती है तो लिवर के खराब होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है उन लोगों में सर्टन एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन इन एक्सपेरिमेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको जनरली कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं जैसे आयोडीन का यूज किया जाता है या फिर जो क्रक्स आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या होता है इस स्टार्च वाले एक्सपेरिमेंट में एक बार सलाइवा डाला जाता है और एक बार नहीं डाला जाता फिर आयोडीन डाल के टेस्ट किया जाता है कि कहाँ स्टार्च है कहाँ नहीं तो इससे प्रूफ हमें मिल जाता है कि सलाइवा में स्टार्च को डाइजेस्ट करने की क्षमता है मतलब जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है वैसे ही एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग वाइट और इफेक्ट ऑफ एसिडिटी एंड एल्कनिटी ऑन एंजाइम रिएक्शन इसके साथ टेस्ट ऑफ प्रोटीन और टेस्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल आप देख सकते हैं फैट और ऑयल का टेस्ट तो काफ़ी आसान होता है आपको बस पेपर रब कर देना होता है और अगर उस पेपर में वो फैट्स थोड़ा सा लग जाता है मतलब उसमें फ़ैट का प्रेजेंट है फैट की प्रेजेंस है या फिर ऑयल की प्रेजेंस है हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं द स्केलेटल सिस्टम इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते और जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस चैप्टर के मेजर क्रक्स होने वाले हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि जहां जहां मैं आपको एडवाइस करूं वहां वहां पे एक स्क्रीनशॉट लेते चलें क्योंकि इस चैप्टर से जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है उससे कहीं ज़्यादा इस बुक में दिया गया है और हम लोग बस मेजर पोर्शन पर फोकस करेंगे तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पर सपोर्ट एंड शेप हमारा जो शेप है बॉडी का उसका एक मेजर कॉज हमारे स्केलेटन सिस्टम ही है हमारे जो बोन्स होते हैं वो न सिर्फ शेप प्रोवाइड करने के काम आते हैं बल्कि हमारे ऑर्गन्स हमारे स्किन वगैरह को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अगला है प्रोटेक्शन हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट लंग्स वगैरह उन्हें एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं हमारे स्केलेटन्स जब हम लोग देखें तो हमारा जो रिब केज हो गया या फिर जो हमारा स्कल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और इन ऑर्गन्स पर कोई भी चोट अगर लग जाए हमारे स्केलेटन सिस्टम के ऑप्शन में तो ये हमारे बॉडी के लिए फेटल हो सकता है अगला है मूवमेंट हमारे स्केलेटन सिस्टम ही एक मेजर कॉज है मूवमेंट का हमारे बॉडी में इसके साथ ही जो स्केलेटन से अटैच्ड मसल्स होते हैं वो भी इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं अगला है लेवरेज हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे जॉइंट्स हैं जहाँ पर एक लीवर का फंक्शन प्रोवाइड होता है और इसके कारण एक फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट हमारे बॉडी को मिल जाता है यही यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स हमारे जो बोन मैरोज़ होते हैं उनमें डब्ल्यू और आर का प्रोडक्शन होता है इसके साथ ही बाकी भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन इन बोन मैरोज में होता है इसके बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाले वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे अगला है द बोन्स आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉसफोरस कैल्शियम हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्प करता है इसके साथ ही इसके जो बाकी वाइटल फंक्शंस हैं उनमें भी कैल्शियम का काफ़ी रोल होता है इस कैल्शियम को हमारे बोन्स में स्टोर कर लिया जाता है और जब भी हमारी बॉडी को ब्लड क्लॉट या फिर ब्लड के मूवमेंट को लेकर कोई भी ज़रूरत होती है कैल्शियम की तो इसी बोन से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इस कैल्शियम को

कॉन्स्टिटुएंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो सबसे मेजर हमारा कंपाउंड है वो है सी ए थ्री पी ओ फोर कैल्शियम फॉस्फेट इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और हमारे जो बोन्स होते हैं वो इन्हीं से मोस्टली बनते हैं इसके साथ ही जो हमारा टीथ होता है वो बोन के रूप में नहीं गिना जाता लेकिन जो इनामिल होता है उसमें भी यही सी ए थ्री पी ओ फोर होता है इसके साथ ही सी एस सी ओ थ्री जैसे कंपाउंड भी हमारे बोन्स में पाए जाते हैं हम लोग देखें अगर बोन अ वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन द मिनरल पार्ट इज रिमूव्ड एंड वॉट वी गेट इज डी कैल्सिफाइड बोन ये जो डी कैल्सिफाइड बोन होता है इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होते क्योंकि उन्हें एक वीक एसिड में डालकर हटा लिया जाता है और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और ये काफी आ, वीक होता है हम कह सकते हैं और इसे एक नॉट के फॉर्म में बांधा भी जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट को आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर देख सकते हैं थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए अगर हम इस बोन को काफ़ी ज़्यादा हीट करें तो इसका ऑर्गेनिक कंटेंट ऑक्सीडाइज होकर रिमूव हो जाता है और जो बचता है उसे ऐश कहा जाता है और ये काफ़ी फ्रेजाइल होता है इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और जनरली अगर आपने देखा होगा तो चार्ड बोन्स जैसे दिखते हैं मतलब उन्हें जला कर जब किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर तो वो जो ऐश होता है वो काफ़ी फ्रेजाइल होता है और वो आसानी से टूट भी जाता है और पाउडर बन जाता है उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स इसके लिए आप इस टेबल को रेफर करें तो बेहतर होगा लॉन्ग बोन्स शॉर्ट बोन्स फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स चार मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें हमारे बॉडी के बोन्स को डिवाइड किया गया है ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो आर्म्स लेग्स और चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि रिब केज के बोन्स होते हैं उनमें शॉर्ट बोन्स एंकल और रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बॉक्स लाइक -like होता है और स्पॉन्जी होते हैं ये इनमें जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है फ्लैट बोन्स इनमें टू से ज़्यादा पैल लेयर्स होती हैं बोन की जिनके बीच में एक स्पॉन्जी बोन होता है और ये शोल्डर ब्लेड स्कल और स्टर्नम जैसे पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं इरेग्युलर बोन इनके जो शेप होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये भी जो बोन के टिश्यूज होते हैं उनके अमाउंट्स में बारी करता है बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है इस इंफॉर्मेशन को आप कहीं लिख लें और इनसे जो टिश्यूज़ बनते हैं उनमें ऑस्टियोसाइट्स के अरेंजमेंट जो होते हैं वो आपसे हो सकता है पूछ ले एग्जाम्स में ये सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में जनरली अरेंज होते हैं और उसी के बीच में मिनरल्स uh, प्रेजेंट होते हैं जो भी बोन के होते हैं फेशियल बोन्स और वर्टिब्रल बोन्स इन इरेगुलर बोन्स में आते हैं इसके बाद ये सारा पार्ट जो है ह्यूमन स्केलेटन का वो काफी इम्पोर्टेंट नहीं है आप अगर सोचें वर्ल्ड वाइज तो एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो स्कल होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं इसके जो आ, अपर पार्ट होता है उसमें एट बोन्स और लोअर पार्ट में फोटीन बोन्स होते हैं अपर पार्ट जनरली इस रीजन को कहा जाता है और इसके जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड होते हैं एक दूसरे से और इनमें मूवमेंट नहीं होती जो फ्रंट पार्ट होता है फेस वाला इसमें फोर्टीन बोन्स होते हैं और इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है लेकिन ये भी आ, एक हाई अमाउंट ऑफ हम कह सकते हैं जॉइंटेडनेस इनमें देखी जाती है और टॉप पार्ट को क्रेनियम कहा जाता है ये आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में और हमारे स्कल में एक हम कह सकते हैं गैप होता है जिसे फोरामम मैग्नम कहा जाता है इससे स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज होती है और जाकर आगे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे होते हैं किस पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्क्रीन लेना है तो आप इस चीज़ का ले सकते हैं इसके सर्विकल पार्ट में सेवन बोन्स इसके थोरासिक पार्ट में ट्वेल्व लंबर पार्ट में फाइव और साक्रम में एक जिसमें फाइव फ्यूज बोन्स होते हैं और कौकाई में फोर फ्यूज बोन्स होते हैं कौकाई क्या होता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे जिनके टेल्स हुआ करते थे उस टेल को बॉडी से बॉडी से फिक्स करने का ये स्ट्रक्चर होता था आज भी कई बार क्या देखा जाता है कि बर्थ के टाइम कुछ बेबीज़ में इस कौकाई से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टेल होता है तो डॉक्टर्स जनरली ऑपरेशन करके उस टेल वाले पार्ट को हटा देते हैं यहाँ इसके बगल में आ, किसी एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर दिया गया है जैसा आप देख सकते हैं जो गैप है बीच में वो न्यूरल पासज मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके पास करने के लिए होता है उसके पीछे आ, जो बॉडी का जो मेन बॉडी होती है वर्टिब्रल कॉलम की वो हम कह सकते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट देने का इसके बारे में आप लोग न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे दो हम कह सकते हैं ब्रांचेज निकलती हैं अलग अलग न्यूरॉन्स के आने और जाने के लिए और कैसे वो ब्रांचेज इन्हीं वर्टिबल कॉलम में दो होल्स होते हैं निकले हुए उनसे निकल कर बाहर जाती है उसके बाद आता है रिब केज अगर हम लोग देखें तो रिब केज में जो बोन्स होते हैं वो जनरली हम कह सकते हैं कि ट्वेल्व बोन्स होते हैं और ये तीन कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होते हैं सबसे पहला जो बोन मतलब फर्स्ट सेवन बोन्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं स्टर्नम से स्टर्नम ये जो फ्रंट बोन होता है हमारा वो होता है इस स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं आगे में और पीछे ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं एट्थ नाइन्थ और टेंथ बोन सेवेंथ बोन की मदद से अटैच होते हैं जो हमारे रिब केज में कार्टिलेज पाया जाता है उसे हियालीन कार्टिलेज कहा जाता है और जो अलेवेंथ और ट्वेल्थ पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं क्योंकि ये आगे जुड़े हुए नहीं होते रिब केज के जो फंक्शंस हैं इनके बारे में आप लोग रेस्पिरेटरी uh, सिस्टम वाले चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे रिब्स हमारे ब्रीदिंग uh, के प्रोसेस को काफ़ी हेल्प करती है और uh, एक मेजर पार्ट होता है रिब uh, केज का उस ब्रीदिंग के प्रोसेस में हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के लिए अगला है बोन्स ऑफ द लिम्स हमारे जो लिम्स का स्ट्रक्चर होता है वो दोनों लिम्स में मतलब हमारे जो फोर लिम्स हाथ और हमारे जो हाइंड लिम्स पैर उन दोनों में लगभग सिमिलर ही पाया जाता है फोर लिम्स में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे ह्यूमरस कहा जाता है अपर लिम्ब का जो बोन होता है और नीचे दो बोन्स होते हैं एक को अलना कहा जाता है और एक को रेडियस कहा जाता है उसके साथ ही कार्पल मेटा कार्पल और फैलेंजेस पाए जाते हैं हमारे हाथ में ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमारे जो हाइंड uh, लिम्स होते हैं उनमें थाई का जो बोन होता है वो लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो थाई बोन है उसका नाम होता है फीमर इसके साथ ही जो uh, नीचे लोअर पार्ट ऑफ द लिम होता है उसमें टीबिया और फ्यूबूला करके दो बोन्स होते हैं और यहाँ पर भी ऊपर की तरह ही टार्सल मेटा और फैलेंजेस पाए जाते हैं आपको फिर से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है गर्डल्स गर्डल्स हिप और शोल्डर्स में पाए जाते हैं ये अटैच करते हैं हमारे लिम्स के बोन्स को हमारे नॉर्मल स्केलेटल सिस्टम से जो कि होता है आ, हम कह सकते हैं हिप का पार्ट और उसके ऊपर जो रिब्स का पार्ट होता है उससे

पार्शली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल रिब और ब्रेस्ट बोन के बीच का या फिर वर्टिब्रेक के बीच के जो बोन्स होते हैं वो ऐसे पार्शली मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं वर्टिब्रल कॉलम की एक और फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सीबल होते हैं इसके कारण हमारे बॉडी में जो भी शॉक्स अराइज़ होते हैं जैसे आप अगर जंप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम झुक जाता है आगे की तरफ इसके कारण क्या होता है कि जो भी शॉक आपकी बॉडी को लगता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है वर्टिब्रल कॉलम इससे उस शॉक का इफेक्ट कम हो जाता है और वर्टिबल कॉलम इस तरह से फ्लेक्सिबल होकर हमें हेल्प करता है अगला है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इसके जो टाइप्स हैं इनमें आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है एक बार आप इन्हें फिर से देखें ग्लाइडिंग जॉइंट ये बोन्स ऑफ रिस्ट में पाए जाते हैं बोन्स ऑफ एंकल और वर्टिब्रे के बीच में पिवर जॉइंट ये रोटेट करते हैं एक पिवट की तरह और ये पाए जाते हैं स्कल में जो कि एक्जिल व से जुड़ा होता है और हम लोग जनरली इसे हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं इसीलिए इसे पिवट जॉइंट कहा जाता है हिंज जॉइंट हिंज जॉइंट में क्या होता है कि एक हिंज की तरह फंक्शन करता है तो जॉइंट्स के नाम इसीलिए आप उनके फंक्शन को काफ़ी इजीली गैस कर सकते हैं हिंज जॉइंट हमारे इस पार्ट में होता है जहां हम हाथ को एक हिंज की तरह घुमा सकते हैं इसका जो फॉरवर्ड वाला मूवमेंट होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है मतलब हम हाथ को एक सर्टेन लिमिट के बाद नीचे नहीं ले जा सकते लेकिन ऊपर हम लोग इसे कहीं तक भी ला सकते हैं उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूवेबल जॉइंट होता है हमारी बॉडी का इसमें अब ऑलमोस्ट कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड किया जाता है तो एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है जहां एक कैविटी में ये बॉल फिटेड होता है और ये बॉल पूरी तरह से घूम सकता है हमारी उस कैविटी के अंदर ये शोल्डर और हिप्स में पाया जाता है अगला है सिनोवियल सिनोवियल जॉइंट जॉइंट द फ्रूली स्टेटेड सिनोवियलोवियल लाइक शोल्डर नी आर ऑल्सो कॉल्ड सिनोवियल जॉइंट दे अलाउ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मूवमेंट दीज ज्वाइंट्स हैव टू स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फर्स्टली दे शुड बी हेल्ड फर्मली इन पोजिशन एंड सेकेंडली द सर्फ कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट शुड बी वेल ल्यूब्रिकेट टू रिमूव फ्रिक्शन लूब्रिकेटिंग फ्लूड वेरेवरे टकर सिनोवियल फ्लूड सिनोविल फ्लूड इन्हीं सोनोवियल जॉइंट्स में पाया जाता है और ये लूब्रिकेट करने के काम आता है यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज एक सॉफ्ट मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं फ्लेक्सीबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है जॉइंट्स के बीच में अब यहाँ देख सकते हैं कि कैसे दो बोन्स के जो टिप होता है वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन्स को जोड़ता है लिगामेंट और उसके अंदर जॉइंट कैप्स्यूल और सिनोवियल मेम्ब्रेन और फिर सिनोवियल फ्लूड वहाँ भरा रहता है ये सिनोवियल फ्लूड हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है जैसा हम कह सकते हैं काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक आसान मूवमेंट को हेल्प करता है ये सिनोवियल फ्लूड अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हमारे जो बोन्स के कार्टिलेज हेड हैं वो एक दूसरे से फ्रिक्शन में रहते और इसके कारण हमारा जो ऐसा जॉइंट्स का सिस्टम है वो काफ़ी खराब हो सकता था वियर एंड टीयर के कारण नी जॉइंट का यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है कि कैसे यहाँ मसल्स होते हैं लिगमेंट्स होते हैं टेंडन टेंडन वो आ, हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि मसल्स को बोन से अटैच करते हैं यहाँ पर वही फाइब्रस कैप्स्यूल सिनोवियल मेमरी उसके अंदर सिनोवियल फ्लूड आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि प्रेजेंट होता है और टीबिया और फेम्यू जैसा मैं फेमू जो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि थाई में प्रेजेंट होता है यहाँ पर जॉइंट्स के काफ़ी अच्छा एक टेबल बना हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा क्योंकि जो जॉइंट्स के टाइप है यही एक मेजर क्वेश्चन बनकर आएगा अगर इस चैप्टर से आना होगा तो अगला है मसल्स मसल्स का जो मेजर फंक्शन होता है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और यहाँ पर जो हम लोग मोर स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे जो कि स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए मसल्स होते हैं और हमारे जो मूवमेंट के मेजर प्रोसेस होते हैं उनमें हेल्प करते हैं यहाँ पर मसल्स uh, में आपको जो मेजर चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है वो यहाँ पर एंटागनिस्टिक मसल्स हैं एंटागनिस्टिक मसल्स का क्या मतलब होता है अ स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन मूव बाय अ मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल सच मसल्स कॉजिंग अपोजिंग फोर्स आर कॉल्ड एंटागनिस्टिक मसल्स तो अगर एक बार मान लीजिए हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कर दिया जाए तो इसे वापस लाने के लिए हमारे पास एक और मसल होनी चाहिए क्योंकि मसल्स क्या करती है कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक बार कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो अगर वो रिलैक्स होना चाहेगी तो उसके साथ उसे एक और मसल चाहिए होगी जो कॉन्ट्रैक्ट हो और उतनी फोर्स प्रोवाइड कर सके कि उस पार्ट को आसानी से मूव किया जा सके सॉरी हम इसे एक स्प्रिंग सिस्टम की तरह समझ सक समझ सकते हैं मान लीजिए अगर दो स्प्रिंग्स हैं एक को अगर स्ट्रेच करते हैं तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक स्प्रिंग होगी तो अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो उसे वापस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए एक और जो फोर्स चाहिए होगी वो प्रोवाइड कम होगी और इसके कारण वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा मान लीजिए एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो उसके बाद अगर इसे रिलैक्स करना होगा तो ये आगे आएगा लेकिन इसे इस पोजीशन में होल्ड करने के लिए कोई मसल नहीं है इसीलिए यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी जो कि फ्री मूवमेंट इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे अगर आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशन्स uh, को तो अगर सिर्फ एक फोर्स होगी तो वो इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा और इस ऑसिलेशन के कारण हमारे बोन्स सही पोजिशन पर नहीं रह सकेंगे आगे हम लोग देखें काइंड ऑफ मसल्स वॉलेंट्री इन्वॉलेंट्री और कार्डियक कार्डियक वॉलेंट्री इन्वॉलेंट्री के जो फीचर्स हैं आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में Uh, वैसे आप देख सकते हैं जो मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं वो ये है कि वॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं इन्वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होते कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये भी काइंड ऑफ इन्वॉलेंट्री ही होते हैं लेकिन इनमें कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स में भी देखे जाते हैं और कार्डियक मसल्स टायर्ड नहीं होते कभी भी ये कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहते हैं हमारे पूरे लाइफ टाइम भर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की बात है यहाँ पर मोस्ट एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है मसल्स की लीवर मैकेनिज्म की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि किस तरह से आ, मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसा लीवर मैकेनिज्म जनरेट कर लेती हैं इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ जो यहाँ डू यू नो दिया गया है आप इसका भी स्क्रीन ले सकते हैं कि लॉन्गेस्ट बोन फीमर है जैसा मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट बोन हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं मैलिस इनका सोस्टिप ये बोन्स काफ़ी छोटे होते हैं और आप इनके पिक्चर आराम से देख सकते हैं ऑनलाइन और द नेल्स एंड टीथ दो हार्ड आर नॉट बोन्स नेल्स और जो टीथ होते हैं वो बोन्स नहीं होते क्योंकि जो हमारा टीथ होता है वो इनामिल जो पोर्शन होता है सिर्फ वही होता है और ये गम्स के ऊपर अराइज होता है और इसमें जो हम कह सकते हैं कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं बोन्स के लेकिन इन्हें बोन नहीं कहा जा सकता

ये हमारे ईयर्स को मूव करने के काम आते थे तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सालों पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो शायद मूव कर पाते थे उनके आ, मतलब विश के अकॉर्डिंग लेकिन आज आ, हमारे अंदर ये फीचर नहीं है और आ, ये बाकी जानवरों जैसे काउज में या डॉग्स में भी आपने देखा होगा अवेलेबल होता है और कुछ लोग भी आ, अगर उस मसल को ज़्यादा स्ट्रोंग कर लें तो ये दो तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं फोटो जैसा हम लोग जानते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ के सर्वाइवल के लिए इस अर्थ के ऊपर हमें जो फूड मिलता है उसका प्राइमरी सोर्स यही प्रोसेस है इसके साथ ही जो कार्बन और ऑक्सीजन की साइकिल चलती है इन्वायरमेंट में वो भी इस प्रोसेस के थ्रू ही बैलेंस्ड होती है तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस में क्या है इसके स्टेप्स क्या हैं और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है ये तो आपको पता है सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी हम लोग जिसे कहते हैं यहां पर क्लोरोफिल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट पिगमेंट है उसकी बात की गई है और क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स में और हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है और भी पिगमेंट्स के साथ उसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट एक माइन्यूट ओवल बॉडी है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है हमने पहले देखा था जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं उनमें कितने सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं तो उनमें हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखना ज़रूरी है देर इंटीरियर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड फ्लैट सैक्स दैट आर कॉल्ड थाइला कोइड्स इन पाइल्स ऑफ ग्रैना हमें ये याद रखना है कि जो पाइल्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो ग्रैना होते हैं और जो मीडियम होता है जो ग्राना को सराउंड करने वाला मीडियम होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं हम लोग आएंगे उस पर भी सबसे पहले आप इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए ये जो स्टैक्स हैं इन स्टैक्स को थाइलाकॉइड कहा जाता है इनको जब स्टैक करके रखा जाता है तब इसे ग्रैनम कहते हैं ग्रानम का यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन बनाकर दिया गया है और ये जो फ्लूइड भरी हुई है इसके बीच में उसे स्ट्रोमा कहते हैं और आपने देखा होगा ऐसे बार्स जो बनने रहते हैं इन्हें फ्रैट कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है अब बस ये याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मीडियम है उसे स्ट्रोमा और जो सैक्स के पाइल्स बने होते हैं उन्हें ग्रैना कहा जाता है उन पाइल्स में थाइलैकॉइड प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैट एंड सैक्स होते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरीली देर मे बी फोर्टी फिफ्टी क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स आपको याद रखना चाहिए कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा तो आपको जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें मोस्ट प्रोबली ग्रैना और स्ट्रोमा ही रहेगा तो वहां पर आपको मार्क करना है ग्रैना और अगर आपसे ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है तो वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रैना इस तरह से आपको आंसर करना होगा हाईली है यहाँ पर एक जो ध्यान रखने वाला मिनरल है वो है मैग्नीशियम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जबकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में और ये आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आर मेनली कंटेंट इन द मेजोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लोकेटेड बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स दीज आर आल्सो फाउंड इन द गार्ड सेल्स आपको ये याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो गार्ड सेल्स में भी होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमाटा पढ़ेंगे अभी के लिए बस आप याद रखें कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं 5000 से ज़्यादा फिर फाइव हंड्रेड थाउज़ेंड से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं सरफेस पे ये आपको पता होगा और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दो वेरायटीज़ हैं क्लोरोफिल की जो कि मेनली पाई जाती हैं क्लोरोफिल के कई सारे वेराइटीज़ होते हैं उनके कैप्चर करने की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है उसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा बाद में अभी के लिए हम लोग जैसे के वी पी वाई जैसे एग्जाम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपको क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानना टू मच लाइट डिस्ट्रॉइज क्लोरोफिल जैसा हम लोग जानते हैं लाइट को अगर ओवर एक्सपोज कर दिया जाए तो वहाँ क्लोरोफिल के अंदर जो बॉन्ड्स बने होते हैं जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और इसके कारण क्लोरोफिल रप्चर कर जाते हैं क्लोरोफिल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज भी कर सकता है रेगुलेशन ऑफ टोमाटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन सीओ टू यहाँ आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन इज द प्राइस फिज द प्लांट पेस फॉर फोटोसेंथिस बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होने से कई बार क्या होता है कि प्लांट सूख भी जाते हैं लेकिन ट्रांसपरेशन एक नेसेसरी ईवल है क्योंकि ट्रांसपीरेशन ही पानी को ऊपर लाने में भी हेल्प करता है और ट्रांसपरेशन के थ्रू एक्सेसिव गर्मी से भी बची रहती है प्लांट्स यहाँ पर हमें देखना है जो मेनली वो है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टमाटा जो होता है वो किस प्रोसेस से होता है तो इसके लिए दो मेजर थ्योरीज दी गई हैं एक पुरानी वाली जो कि शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी है जैसा हम लोग जानते हैं कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं होता क्या है कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण वहां पर फूड बनता है जो कि शुगर हम लोग जैसे कह सकते हैं शुगर का फॉर्मेशन होता है अब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई गार्ड सेल्स के अंदर तो ये क्या करता है कि एंडोस्मोसिस करने लगता है पानी की अपने अंदर इससे क्या होता है कि लीव के बाकी सेल्स से पानी अंदर आ जाता है और गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं इस स्वेलिंग के कारण स्टोमाटा खुल जाता है जैसा हम लोग देख सकते हैं गार्ड सेल जब स्वेल कर जाएंगे तो इसके कारण स्टोमाटा की जो ओपनिंग है वो खुल जाएगी इससे क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होने लगता है फोटोसिंथेसिस होती है ये पुरानी थ्योरी जो कि शुगर बेस्ड थ्योरी थी वो कहती है इससे ये भी कहा जाता है कि जब लीव्स के सेल में पानी कम होने लगता है तब जाकर ये पानी वापस खींच लेता है गार्ड सेल से और स्टोमाटेल पोर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं लेकिन जो नई थ्योरी है जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेड है आजकल वो है के प्लस मतलब पोटेशियम आयन की थ्योरी ये क्या कहती है कि जो फूड प्रोड्यूस होता है उससे एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में उस एनर्जी के मदद से एक्टिवली के प्लस को अंदर डाला जाता है गार्ड सेल्स के और के प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिवली बढ़ाया जाता है दिस ए टी पी इज यूज टू एक्टिवली पॉम द पोटेशियम आयन्स ऑफ एडजस्टन सेल्स इन सेल्स इस एक्टिव ली बढ़ाने के कारण क्या होता है कि की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और जैसा हमने ऊपर देखा था ऑस्मोसिस होने लगता है अंदर की तरफ गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं स्टोमाटल बोर खुल जाती है बाद में ये के प्लस लीक कर जाते हैं गार्ड सेल्स के बाहर और उसके बाद जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो ये स्टोमाटल पोर्स फिर से बंद हो जाते हैं तो ये दो थ्योरीज जो मेजर थ्योरीज हैं आपको ध्यान में रखनी है ज्यादा एक्सेप्टेड के प्लस थ्योरी ही है और आपको वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है मेजर जो क्वेश्चन आएगा वो के प्लस थ्योरी पर ही बेस्ड होगा उसके बाद है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो मीसोफिल सेल्स मीसोफिल सेल्स मेनली दो तरीके के होते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी इन अ अव प्रिंसिपल प्रिंसिपलटेस ऑफ दिस एक्टिविटी जैसा हमने ऊपर देखा था क्लोरोप्लास्ट मेनली इन्हीं मीसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम वैन सनलाइट फॉल्स ऑन द लीव द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल ऑफ द अपर लेयर्स ऑफ मीजोफिल स्पेशली द पैलीसेड सेल्स पैलिसड सेल्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं मीसोफिल के और लाइट एनर्जी यहीं पर ट्रैप होती है ट्रैप क्या होती है हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया जाता है तुरंत तो यूटिलाइजेशन होने जैसा हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे कन्वर्ट कर सकते हैं तो बस लाइट एनर्जी को यहां कहीं ऐसा नहीं कि हमने केज बना कर रख दिया जहां हमने बंद कर दिया लाइट को यहां पर क्या होता है कि लाइट एनर्जी को तुरंत यूज कर दिया जाता है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया और यही है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लाइट एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर से लिया जाता है वाटर को सॉइल से लिया जाता है रूट्स के थ्रू जिसके बारे में हमने पढ़ा है ये जो सिंपल केमिकल रिएक्शन हम लोग जो लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो ये है सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ ये याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ ट्वेल्व एस टू ओ हम जब केमिकल uh, रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ आपको रिएक्टेंट uh, साइड में ट्वेल्व एस टू लिखना चाहिए भले यहाँ सिक्स एस टू हट जा रहा है लेकिन ट्वेल्व एस टू आप लिखते हैं तो वो uh, ज़्यादा करेक्ट होता है ये जब लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो आपको सी सिक्स एस टू एल्व ओ सिक्स ग्लूकोज सी ओ टू और ओ टू के साथ मिलता है कुछ एस टू वहाँ से भी निकलती है तो वो चीज़ हमने देखा कि आप कैंसिल कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि ज़्यादा करेक्ट फॉर्म जो हम लोग अभी देखेंगे

बस उसे डार्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस न होते हुए भी ये रिएक्शन हो सकते हैं इसीलिए उसे डार्क फेज या लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहा जाता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइट डिपेंडेंट या लाइट फेज जिसे कहते हैं या जिसे फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है फोटोकेमिकल क्यों फोटो मतलब लाइट और लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इसीलिए उन्हें फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है इन दिस फेज लाइट प्लेज की रोलियस केमिकल रिएक्शन अगर इन वेरी द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द थालकॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे जरूर पूछी जाएगी अगर आपको इस पार्ट से क्वेश्चन आता है कि लाइट फेज कहाँ होता है तो वहां पर थाइलकॉइड में होता है थाइलकॉइड में अगर नहीं भी आपको ऑप्शन दिया हुआ हो तो आपको ग्रैना दिया हुआ होगा ऑप्शन तो वहाँ आपको लिखना है कि ग्रैना में होता है लाइट फेज कंटेनिंग क्लोरोफिल क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जैसा हमने देखा था थाइड्स के वॉल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन में मेनली जो चीजें होती हैं वो होती क्या है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल पे जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो फोटॉन्स के फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल हमने अपने अगर फिजिक्स में देखा होगा तो आपको पता होगा कि फोटॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं लाइट पार्टिकल्स को तो उस फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लेती है क्लोरोफिल फोटोन्स को और एक्टिवेट हो जाती है मतलब क्लोरोफिल के एक्टिवेशन के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पर फोटोलिसिस की प्रोसेस होती है होता क्या है कि वाटर पे जब लाइट एनर्जी यूटिलाइज करके डाली जाती है तो वाटर स्प्लिट कर जाता है एच प्लस इलेक्ट्रॉन्स और ओटू में ये ओ टू निकल जाती है बाहर और इलेक्ट्रॉन्स का यूज हम लोग देखेंगे एच प्लस का भी यूज़ हम लोग देखेंगे एंड रिजल्ट में जब हम लोग आते हैं तो एन नाम का एक केमिकल होता है जिसे निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लोटाइड फॉस्फेट कहते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है एन में उस एच प्लस को उठाकर यहां यहाँ एन ए डी पी प्लस इलेक्ट्रॉन और एच प्लस के साथ मिलकर एन ए डी पी एच बना दे रहा है ये इंजाइम अभी आपको पता होने की जरूरत नहीं है आप बस याद रखें कि एन ए डी पी एन ए डी पी एच में कन्वर्ट हो रहा है फोटोलेसिस इज डिफाइंड ए स्पिटिंग ऑफ H2O टू मोलिक्यूल हाइड्रोजन एन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ग्राना ग्राना में होता है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एटमोसफियर में ओटू बनकर इलेक्ट्रॉन्स का भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये ए डी पी को एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट को ए टी पी मतलब एडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है जिसे ए टी पी कहा जाता है इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा फॉस्फोरस एड हुआ है इसीलिए इसे कहा जाता है सिंस द एनर्जी यूज द प्रोसेस कम्स फ्रॉम लाइट फोटॉन्स एंड द प्रोसेस इस टर्म ड फोटो जैसा हमने देखा था जब भी कोई चीज लाइट से रिलेटेड हो फोटॉन्स फोटो सिंथेसिस वैसे ही यहाँ पर फोटोफॉसफाइज फोटो फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोरस का एडिशन हो रहा है वो फोटो मतलब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है अगला हम लोग बढ़ते हैं लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क फेज की तरफ रिएक्शन यहाँ पर लाइट एनर्जी रिक्वायर नहीं करती ये जो यहाँ नॉट इन सिलेबस दिया हुआ है इसे आप कट कर लें क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितना हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था और आपको ये पता भी होना चाहिए एक साइकिल होती है यहाँ डार्क फेज के अंदर इस साइकिल में क्या होता है एन में जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है एनएडी बना लेता है फिर से वो कंपाउंड और एच जो होता है H की फॉर्म में जो निकला, वो CO2 के साथ मिलकर C6H12O6 बना लेता है। ये क्या होता है यहां पर ए एनर्जी यूज हो जाती है ग्लूकोज बनाने में जो हमने ऊपर देखा था एडीपी से ए बनाने में लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी वही ए से ए बना ए बनाने में जो एनर्जी स्टोर हुई थी स्टोर हमने कहा था क्योंकि कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी को वहाँ पर लाइट एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी वैसे ही यहाँ पर ये एनर्जी फिर से कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगी और एन को एन और एच में तोड़ देगी और वो एच सी के साथ मिलकर सी सिक्स बना लेगा और ए अपना वापस ए बना लेगा उसके बाद फिक्सेशन ऑफ सी ओ टू नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग स्पेशल सी ओ टू एक्सेप्टर कंपाउंड आर यू बी पी ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसे कहते हैं राइब्योलोज बाईफेट आर यू बी पी का भी नाम आप याद रखें कि यहाँ पर सी ओ टू एक्सेप्टर जो होता है असल में इस साइकिल को सी थ्री साइकिल कहा जाता है हम लोग सी फोर साइकिल के बारे में इस वीडियो में तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मेजरली फोटोसिंथेसिस देख रहे थे नॉर्मल प्लांट्स में हम सी फोर प्लांट की बात एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उस पर बात कर लेंगे वहां पर दूसरे कंपाउंड्स दूसरा प्रोसेस और दूसरी जगहों पर वो रिएक्शंस होते हैं और वो भी याद रखना आपको जरूरी है अभी के लिए आप बस याद रखें कि आर यू बी पी यहां पर जो होता है वो सीओ टू को एक्सेप्ट करता है सीओ टू को कैच करता है फिक्सेट करता है वैसे ही फिक्सेशन जो होता है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जिसे रूबिस्को कहते हैं रूबिस्को का फुल फॉर्म राइब्योलोज बाईफोसवेट कार्बोक्सिलेज होता है तो यहाँ पर रोबिस्को रु, के प्रेजेंस में ये फिक्सेशन होता है रोबिस्को एक कैटेलाई कैट कैटेलाइजर का काम करता है कैटेलिस्ट का काम करता है उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज स्टार्च एंड केमिकल्स मोस्ट ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज स्टार्च एज सून एज इट इज़ फॉर्म कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि शुगर के फॉर्म में भी स्टोर होता है डाइसैकेराइड के फॉर्म में आपने अगर शुगर केन देखा होगा वहाँ पर केन शुगर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है इस आ, हम कह सकते हैं जो फूड बन रहा है उसे जनरली देखा जाता है कि स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोरेज होता है लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसे डाई भी बनाए जाते हैं उसके बाद है अडॉप्टेशन ऑफ लीफ किस तरह से लीफ अडॉप्ट करते हैं तो ये आपको पता है लार्ज सरफेस एरिया लीफ अरेंजमेंट क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस न्यूमरस स्टोमेटा थिननेस ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट और एक्सटेंसिव वेन सिस्टम आगे हम लोग देखते हैं एंड रिजल्ट जो होता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं उसके बाद यूटिलाइजेशन होता है इस फूड का और ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे अलग अलग जगहों में इसके जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं ये जो फूड बनता है उसके ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है ये भी याद रखने वाली चीज़ है अगला हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसेंथेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और आपको याद रखना चाहिए कि लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है तो लाइट इंटेंसिटी अगर हम लोग जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट कॉन्सेंट्रेशन पर ही सी टू की बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ते-बढ़ते एक लिमिट तक आता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज्ड लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर 0.05% कर, कर दें तो यहाँ क्या होता है कि एक बार और जंप देखी जाती है ये जंप फिर से होता है और उस जंप के बाद स्टेबलाइज होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि जब आप लाइट की इंटेंसिटी सीधे बढ़ाते चले जाते हैं वहाँ पर कुछ देर तक ये बढ़ती है फिर कॉन्स्टेंट हो जाती है लेकिन अगर आप उस हाईएस्ट रेट पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ी बढ़ा दें तो फिर से थोड़ा और इंक्रीज होगा और उसके बाद वो कुछ देर बाद जाकर कॉन्सटेंट होगी उसके बाद है टेम्परेचर टेम्परेचर अप टू अ सर्टेन पॉइंट राइज करने पे फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है जो कि होता है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहां फोटोसिंथेसिस बेस्ट अगर करती है लेकिन फोर्टी डिग्रीज़ के ऊपर जाने पर फोटो रुक जाती है इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं या फिर उनकी एक्शन स्टॉप हो जाती है और दस डिग्री का टेम्परेचर अगर हम लोग ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव लाइन मान लीजिए तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाती है आप लोग केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़िएगा तो आपको दिखेगा ऐसी चीजें वहां पर भी दिखती हुई वहां पर आप एंजाइम के एक्शन को थोड़ा डीपली समझिएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि ऐसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट को डबल कर सकते हैं उसके बाद है वाटर कॉन्टेंट तो वही है कि वाटर कॉन्टेंट अगर कम हो जाए तो प्लांट की प्रोसेस अफेक्ट होने लगती है और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ठीक से नहीं हो पाता इसके साथ ही आपको पता होगा कि जो भी रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं उसका सिर्फ वन परसेंट ही प्लांट्स यूटिलाइज करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट जनरली ट्रांसपेरेशन वगैरह में यूज़ हो जाता है उसके बाद है इंटरनल फैक्टर्स तो क्लोरोफिल में अगर कोई न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी है तो वहाँ क्लोरोफिल में लॉस हो जाती है ये चीज़ आपको याद मैंने शुरू में जैसा बोला था मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैग्नीशियम की भी डिफिशियंसी से क्लोरोफिल में डैमेज हो सकता है उसके साथ ही प्रोटोप्लाज्म अगर डिहाइड्रेशन हो जाए प्रोटोप्लाज्म के किसी कारण से तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है एक्ूमोलेशन हो जाए अगर कार्बोहाइड्रेट का प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो उस केस में भी फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो सकती है उसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जैसा हमने ऊपर पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ में अडेप्टशन जैसे होते हैं अगर वो अडेप्टशन कुछ कम हुए या फिर कुछ अन फेवरेबल हुए तो उसके कारण भी फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो सकती है उसके बाद हम लोग देखें एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस को टेस्ट करने के लिए तो ये चीज़ आपने जूनियर क्लासेस में की होगी डी स्टार्चिंग करके उसे टेस्ट करना और सनलाइट को नेसेसरी शो करने के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को नेसेसरी शो करने के लिए तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप आसानी से कर सकते हैं इनको आपने कुछ सी और फॉर्म में भी किया होगा तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आप एक बार एन से भी पढ़ लीजिएगा अगला हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो जैसा हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस काफ़ी ज़रूरी होता है हमें फ़ूड प्रोवाइड करने में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में और भी यह अलग अलग फंक्शंस को आ, काम में लाता है ये कई बार कुछ साइकिल्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है वैसे ही एक साइकिल का एग्जांपल भी दिया गया है किस तरह से कार्बन साइकिल वर्क करती है इन्वायरमेंट में या वैसे ये चीज़ आप लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से नेचर में अलग अलग जगहों से घूमती फिरती आती है सबसे अजीब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग प्रोसेस हमने शुरू किया, किया है हम लोग क्या करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को निकाल कर उन्हें कम्बशन कर देते हैं जनरली जो नेचर की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है नेचर में क्या होता है कि जो सीओ टू है वो फोटोसिंथिस के थ्रू फिक्स होता है और फिर एनिमल्स कंज्यूमर्स वगैरह रेस्पिरेशन के थ्रू सी ओ टू डालते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा फॉसिलाइजेशन और के बाद जो फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न करके डाल रहे हैं इन्वायरमेंट में इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत रेडी नहीं है होता क्या है कि इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं और ये हमारे नेचर को हमारे एनवायरनमेंट को धीरे धीरे खराब करते जा रहा है तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग एक C4 फोर साइकिल को लेकर एक शॉर्ट वीडियो भी बना लेंगे वैसे अभी तक मैंने जितनी थ्योरी बताई है आपको ये इनफ होनी चाहिए आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थैंक यू